ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातकोत्तर हिंदी विभाग एवं दर्शन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की 129वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया। छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक अहमद एवं कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर दौली सिन्हा उपस्थित थी। इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कहीं। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आगे से आशा करूंगी कि सभी कार्यक्रम में विद्यार्थी बच्चों के हिस्सा लेंगे और इनको कुछ अच्छा प्राइज भी मिलना चाहिए अच्छा काम के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहुल संस्कृत में मैं तो विज्ञान की हूँ। अभी आपने रजिस्ट्रार महोदय ने कहा कि विज्ञान और साहित्य में कुछ फर्क होता है, यद्यपि कि मैं वो मानती नहीं। मैं समझती हूँ धर्म विज्ञान साहित्य दर्शन सब में समन्वय है। और आप अगर राहुल महापंडित राहुल संस्कृतायन के जीवनी को भी देखेंगे तो वो भी वैसे ही चलता है। शुरू में वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सनातन थे और वो एक गुरु के रूप में आप देखे हैं कि पूरे भारत का जो वो यात्रा किए वो एक ब्राह्मण गुरु के रूप में किए। पहले पूर्व भारत के कई जगहों का यात्रा किए वो, फिर दक्षिण भारत को भी उन्होंने देखा और उस समय वो साधुओं की टोली में रहा करते थे और उन्होंने हमेशा कंपेयर किया कि उत्तर भारत की क्या खूबियां हैं, दक्षिण भारत की क्या खूबियां हैं, उत्तर भारत में क्या कमियां हैं, दक्षिण भारत की क्या अच्छाइयां हैं। तो उन्होंने उनकी जो दृष्टि थी कोई कुछ देखने की जो समझने की वो शुरू से ही बहुत वैज्ञानिक रहा था। बाद में जैसा कि आपने सुना वो वैज्ञानिक चेतना उनमें ज्यादा जागृत थी जब वो खासकर श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म से उनका परिचय हुआ। तो बौद्ध धर्म जो है वो व्यक्ति पूजा या मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, वो रैशनल एक रैशनल विचार पे आधारित है बौद्ध धर्म। और वो उस समय वो धीरे धीरे उनमें वैज्ञानिक चेतना ही, अगर उनके आप में हरेश्वर सर ने अभी कहा था कि ओरिजिनल लेख से हम दूर जाते हैं, हम वेद में एक आध आर्टिकल लिख लेते हैं और उसके ऊपर अपनी धारणाएं स्थापित करते हैं। तो अगर आप राहुल सांस्कृत प्रेम जी के ओरिजिनल वर्क देखेंगे तो उन्होंने उन्हें स्वीकार किया है कि डार्विन्स थियरी जो है इवोल्यूशन का जो विकास का डेवलपमेंट का जो डार्विन मॉडल है उसको वो मानना शुरू किए। और बाद में जब वो रशिया गए तो वहां पे उन्होंने मार्क्सवाद से भी प्रभावित हुए और उनका मन मस्तिष्क में बदलाव और परिवर्तन शुरू हुआ। हम जब किसी व्यक्ति के विषय में चर्चा करें तो सबसे पहले हमें उस समय काल को देखना होगा। आप देखें कि भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए ये 19वीं और 20वीं सदी और विशेषकर भारत के लिए बहुत ही चिंगारी भरी सदी है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, एक सोना चिंगारी है जो सोना बनता है, अंगारा का रूप अख्तियार कर 1857 की क्रांति के बाद पूरा चिंतन बदल जाता है। और वो चिंतन केवल राजनीतिक क्षेत्र में जो जुड़े लोग हैं उनके मन मस्तिष्क में बदलाव नहीं लाता बल्कि जीवन के समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करता है। ये 19वीं या 20वीं सदी जो है वो भारत के लिए बहुत ही पूर्वाभांश रही है। धर्म के बाद बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के बाद किसी भी धर्म को ना अपनाना, फिर एक विचार मास के विचारों पे टूट पड़ना, इस परिवर्तन जो है यायावर जीवन जिसको यायावर आप कहते हैं हिंदी में, ये जो है वो ठीक है उनके लिए। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ इसे राहुल के लिए, जब भी कोई सभा होती है तो ये मैं ये खेल पढ़ता हूँ
कि न जाने किस राह चलूं, कौन से रुख मुड़ जाऊं, न जाने किस राह चलूं, कौन से रुख मुड़ जाऊं, मुझसे मत मिल के जमाने की हवा हूं मैं। राहुल जमाने की हवा थे। इसलिए आप देखेंगे उनके जीवन वृत्तांत को, यात्रा को, चक्र को, आप अंदाजा होगा कि वो विरल धट, जो जिस तरह से धाराएं चलती हैं, नदियां चलती हैं, उनके विचारों में परिवर्तन होता चला जाता है। वो जिस तरह से नदी की धाराएं, समुद्र की धाराएं जो साहिलों से टकराती है और टकराने के बाद एक नया रास्ता अख्तियार करती है, राहुल के विचार भी जब जब किसी कुरूतियों से टकराव करती है उसका परिवर्तन हो जाता है। और यही परिवर्तन है एक सनातन धर्म के होते हुए बौद्ध धर्म करते हैं और अयोध्या जाते हैं तो बलि प्रथा जो आपके यहाँ मंदिरों में होती है छागर उसको देते हैं, उसका विरोध करते हैं और लाठी से पिटा जाते हैं, हाथ पांव तुड़वा देते हैं।